नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पटना में हुए जलजमाव को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। नीतीश सरकार और नगर निगम को के खिलाफ ये सुनवाई हुई, इसको लेकर अब पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं, पहले आप सुने। जो सॉलिसिटर जनरल जो बात रख रहे थे उसके बाद सभी लोगों ने डिमांड किया, उसमें डिमांड पूर्व के न्यायाधीश महोदय ने जो जलजमाव पटना के सीवरेज के बारे में जो ऑर्डर दिए थे उस पर कोई सरकार ने फॉलो नहीं किया, उस पर कोई सरकार ने तवज्जो नहीं दी। यह सवाल भी सरकार ने बहुत गंभीरता से विपक्ष के लोगों ने उठाई। उसके बाद जो बाढ़ है, जो कंपनी उसको कैसे टेंडर मिलता है, बगैर DPR के कैसे मिलता है, बगैर सीवरेज और बगैर लॉ के, बगैर रोड के, बगैर चीज़ों के कैसे बड़े बड़े मॉल बन जाते हैं, बड़ी स्कूल और बड़े बड़े सरकारी दफ्तरें हो जाती है, किस तरीके से पटना को बंद कर दिया गया है और बारिश के बाद किस तरीके से ज़िंदगी हराम कर दी गई पटना की जनता के। 14 लाख, 25 लाख में 13 से 14 लाख पटना की जनता परेशान कैसे रही, सरकार सोई रही। अभी तक ये बात आई है कि डेंगू से लॉयर और कई लोग मरे हैं, जिस पर कोर्ट काफ़ी गंभीरता ली। फिर उन्होंने कहा कोई छिटकाव नहीं हो रहा है, किसी तरह के मच्छर भगाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। जस का तस, पूरा पटना में जो नर्क बना हुआ है, जो कचरा है उसी तरह से है। सरकार ने एक तुरंत में कोई डिसीजन, माननीय न्यायाधीश महोदय ने कुछ बात सरकार से पूछी और मुझे लगता है कि ये लोगों ने, सभी लॉयर ने कहा है कि माननीय न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हो और डे टू डे मॉनिटरिंग हो, ताकि ज़िंदगी में फिर कभी जो कर्फ्यू जीवन में लगी, जो जिस तरह के हालात पैदा हुए उसमें वो हालात पैदा नहीं हो। हम इन पर्सन हमने फाइल किया है, जिसमें 2006 से लेके अभी तक जो AG ने रिपोर्ट दिया है कि कितने हजारों हजार करोड़ के घोटाले हैं। सरकार को समय पर AG की रिपोर्ट जाती रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, पैसे निकलते चले गए, बिना काम का वर्क होता चला गया। 764 करोड़ रुपया जो 26 साल पहले आए थे 2010 से 30 तक काम करने के, वो भी ख़त्म हो गए। 864 करोड़ जो महानगर निगम का था उसमें सब लूट हुआ। 6000 करोड़ रुपया सीवरेज पर लूट हुआ 2009 से लेके अभी 2019 तक। 23000 करोड़ रुपया पटना पर जो खर्च हुआ वो लूटेड हुए। आम आदमी को जबरदस्ती नक्षत्र और हत्या पर मरने पर मजबूर कर दिया। इसमें गवर्नमेंट कस्टडियन है, सिस्टम पार्ट है, सिर्फ पदाधिकारी नहीं। ये बड़ा सवाल आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे निकट में ही कोई भविष्य होगी। और माननीय न्यायाधीश महोदय काफ़ी गंभीर हैं, कठोर हैं और कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा और ये अभी पूरा कंक्लूजन होने में इसमें वक्त लगेगा। आपसे क्या कहा गया, आपसे क्या कहा गया, आप गए थे? मुझे कहा गया कि आप इन पर्सन आप आएंगे, आप अगले सुनवाई में जब आपका लिस्टेड हो जाएगा तो मैं आपका सुनूंगा। तो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ इस कार्रवाई को लेकर भी बातें की हैं। आपको बता दें कि आज पटना हाई कोर्ट में, पटना में जो जलजमाव हुए और पटना की जो हालात उत्पन्न हो गए, बाढ़ जैसे हालात, इसको लेकर आज सुनवाई हुई और साथ ही साथ बिहार सरकार को कई निर्देश दिए गए इस सुनवाई के दौरान। इसको लेकर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी और आपने ये भी सुन लिया कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।